इस बैंक घोटाले से जुड़े वाधवान परिवार के 23 लोग महाबलेश्वर में हिरासत में लिए गए। लॉकडाउन के नियमों का किया उल्लंघन। बुधवार शाम को खंडाला से कार में 23 लोग पहुंचे थे महाबलेश्वर। पुलिस से पूछताछ में लगाया मेडिकल इमरजेंसी का बहाना। वाधवान परिवार के पास था महाराष्ट्र के प्रधान सचिव गृह अमिताभ गुप्ता का लेटर। लेटर में थी महाबलेश्वर जाने की इजाजत। पुलिस लेटर की सत्यता की कर रही है जांच। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने भी दिए जांच के आदेश। देवेंद्र फडणवीस ने सरकार को घेरा, पूछा किसने दी घूमने की परमिशन। मुख्यमंत्री उद्धव दे जवाब। दिल्ली में कोरोना के हॉटस्पॉट 20 से बढ़कर 25 हुए। सदर बाजार और बंगाली मार्केट सी हॉटस्पॉट में तेज हुई सैनिटाइजेशन की कवायद। ड्रोन की मदद से किया जा रहा है केमिकल का छिड़काव। शबे बारात के मौके पर जामिया और शाहीनबाग पूरी तरह लॉकडाउन। पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ी। मेडिकल स्टाफ के बाद दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट अस्पताल के 3 मरीज भी कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली के करोल बाग में जरूरतमंदों को खाना बांटने दिखे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा। दिल्ली के श्री गंगाराम अस्पताल में 2 स्टाफ कोरोना की चपेट में, कुल 114 स्टाफ हैं क्वारंटीन। दिल्ली सटे नोएडा में सामने आए कोरोना के 3 नए मामले। 63 पर पहुंचा कुल मरीजों का आंकड़ा। सील किए गए नोएडा के हॉटस्पॉट। ड्रोन की मदद से चलाया जा रहा है सैनिटाइजेशन कार्यक्रम। गाजियाबाद और मेरठ में हॉटस्पॉट की ड्रोन से निगरानी कर रही है पुलिस। सील इलाकों में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती। मुजफ्फरनगर में मिले कोरोना के 3 नए मरीज। तबलीगी जमात के कार्यक्रम से लौटे थे वापस। देश में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। 5,865 तक पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में सामने आए 600 से ज्यादा मामले। 169 पर पहुंचा देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 20 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज 1,364 पर पहुंची। वायरस संक्रमित लोगों की तादाद अब तक 25 मौत। आईसीएमआर की दूसरी रैंडम सैंपलिंग में कोरोना की कम्युनिटी ट्रांसफर का संकेत। 40% मरीज ऐसे जो ना विदेश से लौटे और ना ऐसे लोगों के संपर्क में आए। आईसीएमआर ने 15 फरवरी से 2 अप्रैल के लिए कोरोना के लक्षण वाले 5,911 लोगों का किया टेस्ट। 104 टेस्ट पॉजिटिव। केंद्र ने 1,70,00,000 पीपीई के दिए ऑर्डर। 49,000 वेंटिलेटर सप्लाई के आदेश। देश में अब तक 1,30,000 जांच पूरी। बुधवार को 13,000 कोरोना संदिग्धों का हुआ टेस्ट। दिल्ली में 669 पर पहुंची कोरोना पीड़ितों की तादाद। पिछले 24 घंटे में सामने आए 93 नए मामले। केजरीवाल सरकार ने लॉन्च किया ऑपरेशन शील्ड। 6 बड़े कदम उठाकर कोरोना पर नियंत्रण पाने का मास्टर प्लान। आईसीएमआर ने बदली कोरोना टेस्ट की गाइडलाइंस। किसका होगा टेस्ट, इसके लिए 6 मानक तय किए गए। इसराइल के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी का जताया आभार। भारत ने इसराइल को भेजी जरूरी दवाएं। सैन फ्रांसिस्को में फंसे हॉकी खिलाड़ी अशोक दीवान की तबीयत खराब। भारत सरकार से मांगी मदद। भारतीय दूतावास ने भेजा डॉक्टर। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े जरूरी उपकरण पर नहीं लगेगा हेल्थ सेस। कस्टम ड्यूटी से भी राहत। आज शाम 4 बजे राज्यों के कांग्रेस प्रमुखों के साथ सोनिया गांधी करेंगी बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना पर होगी बात। निमाका से आवाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान पुंछ में फिर थोड़ा सीज फायर। सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। लॉकडाउन में सख्त किए गए लॉकडाउन के नियम। सुबह 9:30 बजे से 6 बजे तक सभी तरह के वाहनों पर रोक। सिर्फ जरूरी सेवाओं में लगे लोगों को छूट। रायबरेली में डीएम ने लॉन्च किया कोरोना पीड़ितों के लिए मोबाइल ऐप। ऐप में मरीजों के साथ क्वारंटीन किए गए लोगों की भी जानकारी। आगरा में कोरोना के मरीजों में बढ़ा इजाफा। एक दिन में सामने आए 19 नए मामले। यूपी सरकार ने तबलीगी जमात के लोगों से की खुद बाहर आने की अपील। सूबे में जमात से जुड़े 221 मरीज। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना की चपेट में आया डॉक्टर की मौत। शहर में प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं थे शत्रुघ्न पंचवानी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने उड़ाया प्रधानमंत्री की दिया और थाली वाली अपील का मजाक। कहा बिग बॉस की तरह दिया जाता है टास्क। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह का ममता सरकार पर आरोप। कहा कोरोना के आंकड़े छिपा रही है सरकार। राज्य में नहीं हो रहा लॉकडाउन का पालन।
मरकज में शामिल हुए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर परिवार समेत क्वारंटीन, जानकारी छिपाने के आरोप में एफआईआर दर्ज। त्रिपुरा सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना से जान गंवाने वाले मेडिकल स्टाफ के परिवार को सरकार देगी नौकरी, 4 लाख के मुआवजे का भी ऐलान। छत्तीसगढ़ के कोरबा बना कोरोना का हॉटस्पॉट, 7 नए केस सामने आए। शिमला में दिखा दाखिल होने वाली भी गाड़ियों को किया जा रहा है सैनिटाइज, हिमाचल में कोरोना के मरीजों की संख्या 21 पहुंची। बेंगलुरु की कंपनी को मिली कोरोना टेस्ट की इजाजत, कंपनी का दावा सिर्फ 1 घंटे में आ जाएगा कोरोना टेस्ट का रिजल्ट। बुलंदशहर में डीएम ने किया आपदा कंट्रोल रूम का निरीक्षण, सैनिटाइजेशन में लगे रोबोट बूथ का भी डेमो देखा। गुरुग्राम में कोरोना संक्रमित इटली की महिला की मौत, मेदांता अस्पताल में चल रहा था इलाज। निवात में महिला स्वास्थ्य कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार, नर्सों ने छोड़ा काम। अमृतसर में विशेष विमान से कनाडा के नागरिक रवाना, लॉकडाउन की वजह से फंसे थे। जालंधर में कोरोना पीड़ित की मौत के बाद दाह संस्कार को लेकर हंगामा, लोगों ने जताया एतराज, प्रशासन ने सैनिटाइजेशन का आश्वासन देने पर माने। हरियाणा के यमुनानगर में 6 जमातियों के खिलाफ केस दर्ज, ट्रैवल हिस्ट्री छिपाने का आरोप। छिंदवाड़ा में पुलिस टीम की सुरक्षा के लिए सतर्कता, पुलिस वालों को संक्रमण से बचाने के लिए एसपी ने बनाई टीम। बैतूल में पुलिस की गांधीगिरी, लॉकडाउन तोड़ने वालों की आरती उतारी, फूल देकर घर से ना निकलने को कहा। दिल्ली में स्वास्थ्य कर्मियों का विरोध प्रदर्शन, बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर सरकार से नाराजगी। दिल्ली में डीआरडीओ में काम करने वाले साजिद खान ने अपनी 2 लग्जरी कार को बनाया एम्बुलेंस, खुद लोगों को पहुंचा रहे अस्पताल। दिल्ली में गैस एजेंसी के सप्लायर्स ने की हड़ताल, सैनिटाइजर और मास्क नहीं मिलने की शिकायत। मुंबई के एनएससीआई स्टेडियम को बनाया गया आइसोलेशन वार्ड, कोरोना मरीजों के लिए किया गया इंतजाम। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर तैयार किया गया सैनिटाइजेशन टनल, प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले हर एक मुसाफिर को किया जाएगा सैनिटाइज। प्रयागराज में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद काजू रोड बंद, पूरे इलाके को किया गया सैनिटाइज। मुरादाबाद में जिला अस्पताल की आवासीय कॉलोनी के सामने बना आइसोलेशन वार्ड, कॉलोनी वालों ने रास्ता रोककर किया विरोध। वाराणसी में कमरे से मिला विदेशी नागरिक का शव, नशे के ओवरडोज से मौत की आशंका। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत और उनका परिवार क्वारंटीन, कोरोना मरीज के संपर्क में आए थे। पीलीभीत में कोरोना को हराकर घर पहुंची 70 साल की महिला, बेटे के भी जल्द ठीक होकर घर आने का इंतजार। हरियाणा के सिरसा में डेरा सच्चा सौदा अस्पताल कोरोना अस्पताल में तब्दील, इमरजेंसी के लिए किया गया रिजर्व। धनबाद में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, गैस एजेंसी और बैंक में उड़ी लोगों की भीड़। नालंदा में शबे बारात के दौरान नमाज पढ़ने के लिए जुटी भीड़, पुलिस ने रोका तो किया हमला, 2 पुलिस वाले घायल। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में बाहर से आए व्यक्ति की जानकारी देने वाले के को 100 रुपए के इनाम का ऐलान, कोरोना कैरियर की पहचान के लिए अनोखा कदम। छिंदवाड़ा में नमाज पढ़ने के लिए जमा हुए 40 लोग, पुलिस ने दर्ज किया केस। राजस्थान के भरतपुर में हंगामा, क्रिकेट खेल रहे लोगों को भगाने के लिए पहुंची पुलिस पर पथराव। लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस का फ्लैग मार्च, लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बर्फबारी, बर्फ की मोटी चादर में ढका बद्रीनाथ धाम। मुंबई में फंसे मजदूरों के लिए आगे आए नौसेना के जवान, मुहैया कराए खाने पीने के सामान। उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल के एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने कोरोना को लेकर गाया गाना, लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश। बिहार में भी कोरोना हॉटस्पॉट इलाकों की पहचान, सीवान, बेगूसराय और नवादा में कई इलाके सील। सीवान में 27 लोगों में कोरोना का संक्रमण, पूरे इलाके में ड्रोन से रखी जा रही है नजर। बिहार के नवादा में तबलीगी जमात में शामिल व्यक्ति में कोरोना का संक्रमण, पूरे परिवार पर रखी जा रही नजर। मोतिहारी में प्रशासन ने सीवान और गोपालगंज जाने वाले रास्तों को किया सील, सीवान में कोरोना केस बढ़ने की वजह से फैसला। बिहार के सीतामढ़ी में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस की सख्ती, भांजी लाठियां।
में कल रात तेज आंधी और तूफान से कई घरों को नुकसान, एक छत गिरने से दो लोग घायल। गुवाहाटी में भी तेज बारिश ने मचाई तबाही, कई घरों को नुकसान। पश्चिम बंगाल में कोरोना के साथ साथ डेंगू से निपटने के उपायों पर भी जोर, सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रेलवे के पुराने कोच को आइसोलेशन वार्ड में बदला जा रहा है। तेलंगाना के वारंगल में डॉक्टर्स को थोड़ी राहत, प्रशासन की ओर से बांटी गई 100 पीपी किट। लॉकडाउन बढ़ने के आसार के साथ रेलवे ने भी 15 अप्रैल से ट्रेन चलाने की योजना से किया इनकार, कहा अभी संचालन का नहीं है इरादा। लॉकडाउन से रेस्टोरेंट, ऑटो और रियल्टी सेक्टर को सबसे ज्यादा झटका, लगने की आशंका, हालात सुधरने में लग सकते हैं 1 से 2 साल। कोरोना संकट से पैदा होने वाली महामंदी से निपटना भारत के लिए बड़ी चुनौती, 22 लाख करोड़ के राहत पैकेज की होगी दरकार। आरबीआई के एमपीसी ने भारत की विकास दर के अनुमान में भारी कमी की आशंका जताई, वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट की आशंका। लॉकडाउन में लोगों के घरों में रहने से डेटा की खपत में 20% का इजाफा, वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप्स का इस्तेमाल सबसे ज्यादा। ग्लोबल इकोनॉमी को अगले 2 साल में 5 लाख करोड़ के नुकसान की आशंका, 1930 से भी बड़ी मंदी के आसार। 2020 में वैश्विक व्यापार में 1/3 गिरावट की आशंका, कोरोना ने बढ़ाया भयंकर मंदी का खतरा। सऊदी अरब के राज परिवार के 150 लोगों में कोरोना की पुष्टि, आईसीयू में भर्ती हुए प्रिंस फैसल। दुनिया में जारी है कोरोना का कोहराम, 89,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 192 देशों में 16 लाख से ज्यादा लोगों में वायरस का संक्रमण। अमेरिका पर कस रहा है कोरोना का शिकंजा, करीब 15,000 लोगों की मौत, 4,32,000 लोगों में वायरस का संक्रमण। आईसीयू से बाहर आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, लगातार सुधर रही है तबियत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट कर बोरिस जॉनसन के आईसीयू से बाहर आने पर जताई खुशी, जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पत्रकार से बातचीत में ट्रंप ने कहा अमेरिका में कोरोना का खतरा अनुमान से कम। लॉकडाउन के दौरान पेरिस में बालकनी पर गेम खेलते दिखे लोग, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। आईएमएफ ने जताई भयंकर मंदी की आशंका, था 1930 जैसी मंदी के बाद सबसे बुरे हालात। इंडिया में कोरोना से 18,000 से ज्यादा लोगों की मौत, स्पेन में भी 15,000 के पार मरने वालों का आंकड़ा। अमेरिका में कोरोना से लड़ने के लिए 10 दवाओं का हो रहा है परीक्षण, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया दावा। वुहान में लॉकडाउन खुलने के बाद चीन में फिर सताया कोरोना का डर, पिछले 24 घंटे में सामने आए 63 नए मामले। पाकिस्तान में 4,200 लोगों में कोरोना का संक्रमण, अब तक 61 से ज्यादा लोगों की मौत, पंजाब और सिंध में सबसे ज्यादा केस। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ईरान ने आईएमएफ से मांगा $5 अरब का कर्ज, अब तक 4,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।